शांति आज 26 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी दी। ओम शांति दीदी ओम शांति बाबा ने कहा मीठे बच्चे निरंतर एक बाब की याद में रहने का पुरुषार्थ करो यही है बेहद का सतोप्रधान पुरुषार्थ बेहद का पुरुषार्थ बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ एक ही बाप को याद करो प्रश्न है तुम बच्चों को कौन सा संग करना है कौन सा नहीं जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं सर्वसबल है उनका ही संग करो बाकी जो जर्मुई झगमुई करते हैं फालतू बातें सुनाते हैं उनके संग से दूर रहो No evil, see no evil. देखो ये हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को बाबा ने हॉस्टल में रखा है संग में रखा है कंपनी क्योंकि क्लास में भी आते हैं तो बाहर से सब विद्यार्थी आते हैं उनमें भी बाबा कहते तुमको किसका संग करना है उनका संग करना है जो कि पढ़ाई लिखाई में होशियार है मैनर्स वाले हैं उनका संग करो ऐसे दूसरा प्रश्न है गफलत करने से कौन सा कौन से नुकसान होते हैं जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूले होती रहती हैं वो बाप का नाम बदनाम करते हैं उनसे सभी को नफ़रत आती है वो गोल्डन एज में नहीं पहुँचते फिर बहुत कड़ी सज़ा के भागी बनते हैं केयरलेस होते हैं ना गफलत माना केयरलेस आपको एक बात कि उसके बाद भी आप नहीं करें दो बार कि फिर भी ना करें तो केयरलेसनेस है तो उसका फिर, फिर हिसाब किताब बनता है यहाँ तक हम लोग को तो दादियों ने समझाया हुआ है मानो एक बार उन्होंने कहा इशारे से मैंने नहीं समझा एक बार उन्होंने कहा उसके बावजूद भी मैंने फिर गलत किया अब उनको दोबारा कहना पड़ रहा है तो तो ये तो उनके लिए शोभाजनक बात नहीं है ना आप उनको नीचे उतार रहे हो ना आप उनको बार बार कहने के लिए बाध्य कर रहे हो तो बोझ आप पर चढ़ेगा इसलिए हमको गुहे गति को समझना चाहिए गीत है माताओ माता ये है माताओं की महिमा तुम सब माताएं हो भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है वो विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं ब्रह्मा के तन में है ये जो दिलवाला मंदिर है ये पूरा यादगार है जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं यादगार होते ही इस संगम के हैं फिर बाबा ने कहा कि जब सृष्टि सतोप्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे इस समय ये सृष्टि है तम, तमो तमोप्रधान तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र है तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है जिसकी निशानी ये दिलवाड़ा मंदिर है और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन ज्ञान का सागर हुआ ना ये बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है तो बाबा ने माउंट आबू के यादगार भक्ति मार्ग के बतलाए बाबा ने कहा कि जब तुम सतो प्रधान बन जाते ये बाबा जो स्पेशली दिलवाड़ा मंदिर है ये बाबा हम बच्चों को कहा करते थे जाकर के देख के आओ और अपनी कोठी फिक्स करके आओ उसमें जो खाली भी थी लेकिन और जो स्थान है जो आजकल लोग जाते हैं घूमने फिरने बाबा वहाँ के लिए अलाव नहीं करते तो जो यादगार है हमारे बने हुए उनको बाबा कहते थे देख क्या के फिर बाबा ने कहा जब तुम सतोप्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो ये जैसे डबल पियर घर है इसको स्पष्ट करेंगे आप कौन सा जो बाबा ने कहा बाबा ने हमें बताया कि जब तुम बाबा ने कहा कि जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो बाप के साथ निवास करते हैं ना जाते हो क्योंकि हम बच्चे पढ़ते हैं ना अन्य लोग तो पढ़ते नहीं है तो हम लोग सतो प्रधान जब बन जाते हैं तो बाबा के साथ वहां पर निवास करते हैं परम धाम की बात है और दूसरा बाबा यहाँ का भी कहता है यहाँ की ये है डबल पियर घर कहा ना बाबा ने एक वो हो गया परम धाम निवास और एक हो गया यहाँ का बाबा के साथ रहते हैं यानी प्रजापिता का भी है और शिव बाबा का भी यहाँ है तुम बच्चों का ज्ञान श्रृंगार कराने ये है बेहद का पियर घर ससुर घर वो तो है हद के होते हैं कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है उसमें सुख समझती है तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं फिर बाबा ने कहा कि किस जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है परंतु तीर्व वेगी इतने नहीं है सतो प्रधान को तीर्व वेगी कहा जाता है कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है तीन प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं तो बाबा ने कहा सतो प्रधान को तीर्व वेगी कहा जाता है कोई सतो गुणी और कोई अभी भी रजोगुणी है तो ये सतो प्रधान वेगी है। फास्ट पुरुषार्थ करने वाले ऊंचे ते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप की ही याद रखते हैं तुम्हारा बाबा ने कहा जो एक्यूरेट यादगार है वो दिलवारा मंदिर बना हुआ है नीचे तपस्या में बैठे हैं ऊपर में राजाई दिखाई है और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है पाठ तो तुम माताओं का है ना बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं यहाँ भी मेजोरिटी माताओं की है इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है फिर बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरस्कारित किया क्या पद पाएंगे पिछाड़ी में समझेंगे जब तक पुरस्कारित कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएं जो नहीं पहुंचते हैं वो फिर सजा खाते हैं अभी तो कयामत का समय है सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है फिर बाबा ने कहा लक्ष्मीनारायण से ही राज्य शुरू होता है वो होता है विकर्मा जीत संवत विकर्मों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे हरेक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो फिर बाबा ने कहा शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाएंगे कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है तुम समझ तो बाबा के तुमको ऑर्डिनेंस है कि पवित्र बनना है बाबा ने कहा कि बाबा सबको खबरदार भी करते हैं पढ़ना ज़रूर है इसमें कोई कारण दे नहीं सकते टाइम तो बच्चों को बहुत है आठ घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो बाकी टाइम में मेहनत करनी है ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा बाबा की याद में कितना समय रहा कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है परंतु वो चार्ट जब सदैव के लिए रहे फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी कोई जगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है बाबा ने कहा कि हमें नहीं करनी है लेकिन क्या मेरा इंटरेस्ट है जब इंटरेस्ट होता है तो वो सारी बातें अच्छी लगती हैं तो बाबा कहते हैं आप बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बाबा ने कहा टाइम लगता है पावन बनने में जब तक दुनिया है ये पढ़ाई है तब तक पढ़ना है जहां तक जीना है वहां तक पीना है ताकि अतीत अवस्था में चले जाएंगे आज बाबा ने वरदान दिया सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में और ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है और स्लोगन है बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप मैसेज या व्हाट्सएप करें डबल एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री जीरो नाइन पर ओम शांति